ऐसे भी अंत सुन यादव को पकड़ा है, वो प्रधानमंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बहुत नजदीकी व्यक्ति है, अक्सर ये साथ रहते हैं लंबे वर्षों से। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि परिवहन विभाग के घोटाले को दबाना। ऊपर तो एक तो होता मंत्री, एक है उप मुख्यमंत्री और एक है अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, तो अब तीनों में किसके पास पैसा जा रहा है? इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और इन सब अधिकारियों का नार्को टेस्ट कराया जाए, दशरथ यादव का नार्को टेस्ट कराया जाए। निश्चित रूप से इससे बड़ा घोटाला हो नहीं सकता। मैं आवश्यकता पड़े तो बहुत बड़ा प्रदर्शन जयपुर के अंदर इसको लेकर आरएलपी पार्टी करेगी। लूट कोई नई बात नहीं है, पहले भी परिवहन विभाग सबसे बदनाम विभाग रहा है और अवैध वसूली के नाम पे, ओवरलोड के नाम पे और गोल्डन टोकन के नाम पे मंत्री, जो भी परिवहन मंत्री बनता है वो अपने 10-15 गुर्गे राजस्थान में छोड़ता है और वो एक अलग तरीके का स्टिकर देते हैं उन गाड़ियों को कि भाई ये डायरेक्ट वो गाड़ी है जो डायरेक्ट उसके अंदर उसमें रहेगी वसूली के अंदर, और या इनका ये मोटा हमारा मंथली का सिस्टम उससे चलता है। लेकिन अभी जो परिवहन विभाग का घोटाला हुआ है उसमें जिस जसवंत यादव के एसीबी ने जसवंत यादव को पकड़ा है, वो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बहुत नजदीकी व्यक्ति है, अक्सर ये साथ रहते हैं लंबे वर्षों से, और जितना ये करीब एक दर्जन से ज़्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। मैंने इस मामले को कल भी उठाया था सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और मेरी पार्टी के तीनों विधायक विधानसभा के अंदर भी इस मामले को उठाएंगे। पैसा ऊपर तक जाता है, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि परिवहन विभाग के घोटाले को दबाना, नहीं तो पार्लियामेंट चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को जिस आक्रामक तेवर के अंदर कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने चाहिए, इसमें सीधा सीधा पैसा ऊपर तक जाता है। तो ऊपर तो एक तो होता मंत्री, एक है उप मुख्यमंत्री और एक है अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, तो अब तीनों में किसके पास पैसा जा रहा है? इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। एसीबी चूंकि स्टेट की एजेंसी है, इसलिए मंत्री का अगर इसके अंदर नाम आएगा तो एसीबी कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि मंत्रियों के मामले में पहले भी जब कांग्रेस सरकार के समय मंत्रियों के खिलाफ जांच हुई थी तो सारे मामले सीबीआई को गए थे। मेरी सरकार से मांग है कि पूरे प्रकरण को सीबीआई को भेजा जाए और इन सब अधिकारियों का नार्को टेस्ट कराया जाए, दशरथ यादव का नार्को टेस्ट कराया जाए। निश्चित रूप से इससे बड़ा घोटाला हो नहीं सकता। मैं आवश्यकता पड़े तो बहुत बड़ा प्रदर्शन जयपुर के अंदर इसको लेकर आरएलपी पार्टी करेगी। सीधा सीधा मंत्री की भूमिका इस मामले के अंदर, मंत्री जी की सह के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। अरबों रुपए की लूट मचा रखी राजस्थान के अंदर, और आप हर जगह चले जाओ, अभी मैं आया हूँ नागौर से इस रोड पे तो 10 जगह डंडे लेके और चौथ वसूली कर रहे हैं इनके अधिकारी, और जैसे भी गाड़ी देखते हम लोगों को देखते भाग जाते हैं मौके पर। हर आदमी पीड़ित है, मैं बता रहा हूँ आखिर इस पीड़ा को दूर कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेट के अंदर उम्मीद है लोगों को कि बीजेपी विपक्षी भूमिका निभा रही है, लेकिन मैं 2 दिन से देख रहा हूँ मैं बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता बीजेपी पार्टी ने हाउस के अंदर इस बात को नहीं उठाया कि परिवहन विभाग के घोटाले के आरोपी मंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आखिर वो कौन है जो इनको संरक्षण दे रहा है, उस आदमी का खुलासा राजस्थान की जनता करना चाहती है। मेरा आरोप है राजस्थान के परिवहन मंत्री पे, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पे, कि इनके राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो गई। इस परिवहन विभाग की अगर पूरी परतें खुलेगी तब जाके इसके अंदर आपके मंत्री जी भी लपेटे में आ जाएंगे और मंत्री जी को बचाने वाले लोग भी लपेटे के अंदर आ जाएंगे। अगर अशोक गहलोत अपनी इतनी ईमानदारी की बात करते हैं और किसी से अपील करते हैं ट्वीट करके ये करते हैं, तो मैं अशोक गहलोत से कहना चाहता हूँ, अशोक जी आप इस पूरे मामले की ईमानदारी से जाँच कराओ, इस मामले को सीबीआई के अंदर रेफर करो, अपने आप पता लग जाएगा कि आपके मंत्री कितने वैसे तो सरकार के करीब 70% ज़्यादा मंत्री चोर है, मौका लगते ही चोरी। अभी कितने हालात आप देखो, हर महकमे का हर जगह का इनको खाने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ज़्यादा इनके पास सामान नहीं बचा। अगर मेरे हिसाब से तो अगर यही हालात है, आप बताओ गुटखे पे प्रतिबंध लगाया और 2 दिन बाद तोड़ दिया, गुटखे वालों से मोटी रकम ले ली, शराब की दुकानों की बात करी 30 फीट की अब प्रतिबंध दुकानें नहीं होगी, दूसरे दिन आदेश को वापस ले लिया, हर 2 दिन में नया आदेश लाना, पैसा जैसे ही पहुँच जाता है उस आदेश को वापस लेना। अब सरकार इससे ही काम चला रही है भ्रष्टाचार से।